नमस्कार जी, आज हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे शिरोधारा का। हमारे पास पेशेंट है सूरज जी, उनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है। अनिंद्रा का उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। हमने उस पहले उनकी वीडियो डाली है, शिरो पिच्चू किया था हमने। आज हम शिरोधारा करेंगे, शिरोधारा ट्रीटमेंट करेंगे इनका। इनको ये प्रॉब्लम कम से कम 5-6 साल पुरानी है। तो आइए बताते हैं कि शिरोधारा करने के लिए क्या क्या सामान अवेलेबल होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि शिरोधारा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत सारी बीमारियां इसे ठीक होती हैं। शिरोधारा का मतलब सिर पे, जैसे ये बिल्कुल माथे के बीचों बीच ललाट पे कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी औषधि, जैसे कि तेल हो सकता है, या कोई वाटर से, पानी से भी करते हैं, नारियल पानी से भी करते हैं। तो लिक्विड तरल पदार्थ की जो धारा है हमारी ललाट पे पड़नी चाहिए बिना खंडित हुए, उस ट्रीटमेंट को शिरोधारा ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो शिरोधारा के लिए हमने कौन कौन सी चीजें लेनी है। सबसे पहले तो हमने ये कॉटन लिया है, ठीक है। उसके साथ हमने ये दो पिच्चू बनाए हैं ऐसे, इसके अंदर हमने कॉटन रखा है, ये ऊपर से पट्टी लपेटी है, ये आंखों पे लगाने के लिए। और ये रहा रोज वाटर, रोज वाटर हमें लगाना है पिच्चू पे, फिर उनकी आंखों पे लगाना है, ठीक है। उसके साथ हमने ये एक रस्सी ली है, देखिए ये जैसे रस्सी है उसके ऊपर ये पट्टी लपेट कर इस तरह से हमें इसे उनके इस तरह से माथे पे लगानी है, ताकि जो ऑयल या औषधि हो वो आंखों में ना जाए, ये माथे पे लगानी है। ये हमने पट्टी यूज की है। उसके साथ हमने ये आयुर्वेदिक ऑयल लिया है, ये देखिए ऐसे एक पात्र में आप आयुर्वेदिक ऑयल ले लेंगे, ये आयुर्वेदिक ऑयल लिया है, ठीक है। और उसके साथ हमने ये ऑयल को गर्म करना है, सर्दियां हैं तो इसलिए हल्का गुनगुना रखना है हमने, ये इनडायरेक्टली गर्म करना है। ये हमने नीचे पानी गर्म रखा है, देखिए पानी गर्म है, ऐसे करके पानी में पात्र को रखना है, इसको हल्का गुनगुना रखेंगे जो हम जिसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सूरज जी है हमारे पेशेंट, शिरोधारा करेंगे। सबसे पहले हमने जो ये बना रखा था, इस रस्सी बना रखी है, पट्टी की है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये हम इनके माथे पे बांधेंगे बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर इस तरह से। सुरज जी अपने हिसाब से सेट कीजिए, ठीक है। हाँ जी ठीक है। इस तरह से बिल्कुल माथे के बीचों बीच हमारी थर्ड आई पे, ललाट पे पूरी अच्छे से धारा गिरनी चाहिए, ये देखिए। हम इसका प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए हमने लाइट जला रखी है, हमें बहुत ही कम लाइट में ट्रीटमेंट करना है, ताकि पेशेंट एकदम अच्छे से रिलैक्स हो सके। हल्का म्यूजिक लगाएंगे साथ में, देखिए हल्के से आप माथे के ऐसे बीच बीच में इस तरह से भी लेके जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद अपने हाथ से हल्का हल्का सर पे इस तरह से आप को रिलैक्स करते जाएंगे, बालों में अप्लाई करेंगे। शिरोधारा एक प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार है, जिसमें ललाट पर धीरे धीरे किसी द्रव की धारा गिरती है, और ये बहुत ही लाभकारी रहता है। अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जैसे पैरालाइज में, मानसिक तनाव में, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। अनिंद्रा में बहुत अच्छा रहता है, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है
इसमें मुख्य जैसे किसी तेल, दूध, छाछ या नारियल या आप साधारण पानी के साथ भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट का समय रहता है 40 से 45 मिनट। हमने ये लाइट जलाई है क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। जब शिरोधारा का ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल बहुत ही हल्की लाइट होनी चाहिए, हल्का म्यूजिक होना चाहिए ताकि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान उसका बिल्कुल ट्रीटमेंट पे हो, वो बहुत ही आराम महसूस करें। इसमें ध्यान रखना है कि जो इनकी ये धारा आ रही है ये बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धारा ऐसे अच्छे से आनी चाहिए। साथ साथ में हाथ से आप सिर पे मालिश करेंगे और आंखों में तेल ना जाए इस बात का ध्यान रखना है। पूरे ट्रीटमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और आंखों में ना पड़े तेल। और इसके साथ साथ ही ये ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा कोसे पानी से नहाना है। थोड़ा कोसा मतलब गुनगुना पानी लेकर आप नहाएंगे इसमें, और एकदम से आपको कहीं हवा में नहीं जाना है। बिल्कुल इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। आप चाहें तो ये ट्रीटमेंट जैसे हमने ये आयुर्वेदिक तेल ले रखा है, आप इसकी जगह जैसे पानी से भी होती है, छाछ से, दूध से, आप घी से भी कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ सलाह करके तो वो आप आयुर्वेदिक कोई भी औषधि या तेल यूज कर सकते हैं। तो अभी ये सूरज जी का ट्रीटमेंट हुआ है, हम कल इनका नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी परेशान है। काफ़ी टाइम से इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, इनको नींद नहीं आती थी और इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है बहुत पुरानी। तो हमने इनको ये ट्रीटमेंट अभी दिया है, कल इनको नेक्स्ट ट्रीटमेंट देंगे। पंचकर्मा में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम इनसे आपकी बात जरूर कराएंगे कि इनको ये पंचकर्मा के ट्रीटमेंट से कितना फ़ायदा हुआ है। नमस्कार।